ईद अपनों के संग मनाने कमीशन, हजारों परदेशियों की आबाई इलाकों को वापसी, लाहौर रेलवे स्टेशन और लारी अड्डा पर मुसाफिरों का रश। टिकट और सीट के लिए ओवर चार्जिंग का शिकवा, काफी सवारी 300 रुपए तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। परदेशियों की वापसी के लिए रिलीफ यकीनी बनाने का मिशन, जिले इंतजामिया इन एक्शन। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का लारी अड्डा का दौरा, मुसाफिर खवातीन के लिए इंतजारगाह में मर्द अफराद की मौजूदगी पर इजहार बरहमी। गाड़ी की छत का टिकट जारी करने पर बस को 72 घंटे के लिए बंद करा दिया, कहा ट्रांसपोर्टर्स को मनमानी नहीं करने देंगे। ईद उल फितर पर चलने वाली खसूसी चार ट्रेनों का शेड्यूल जारी, पहली खसूसी ट्रेन कराची से पिशावर के लिए रवाना हुई, तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज कराची से रवाना होकर लाहौर पहुंचेगी, चौथी स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल को लाहौर से कराची रवाना होगी। दूसरी जानब ईद उल फितर पर चलने वाली खसूसी चार ट्रेनों की बुकिंग बंद, पाकिस्तान रेलवेज का ट्रेनों में मजीद बोगियां लगाने का फैसला। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद खरीदारी अपने जोबन पर पहुंचने लगी। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खवातीन और बच्चों का रश, किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को मनपसंद जूतों की तलाश। बनाओ सिंगार के लिए मेकअप का सामान भी तरजीहात में शामिल, चूड़ियों की दुकानों पर भी खवातीन का रश। महंगाई का घोड़ा बेलगाम, ईद के लिए इंतजामिया रिलीफ यकीनी बनाने में नाकाम, मुनाफा खोरों के दांत मजीद तेज, चिकन सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। सस्ती प्रोटीन 651 रुपए में फरोख्त, रही सही कसर, लहसुन अदरक और प्याज की कीमत ने पूरी कर दी। सेब केला अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज पंजाब एहसान भुट्टा का मुख्तलिफ मॉडल बाजारों का दौरा, कंट्रोल रूम में मॉडल बाजार और रमजान बाजारों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर इंतजामिया को सराहा, सार्फिन से खुश उसलूबी से पेश आने की हिदायत। गिरा फिरोशी पर काबू पाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स मुतहरिक, एसी केंट नबील मेमन, एसी शालामार अनम फातमा और एसी रायबंड जैनब ताहिर का मॉडल बाजारों का दौरा, अशियाए जरूरिया की कीमतों का जायजा लिया। शहरियों को मशरूब के नाम पर जहर पिलाने की कोशिश नाकाम, फूड अथॉरिटी ने लाहौरियों को ईद पर जाली बोतलें पीने से बचा लिया। जाली मशरूबात तैयार और सप्लाई करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1,71,000 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद, 99 मकामात पर जालसाज माफिया को 24,81,000 के जुर्माने। वासा लाहौर के ऑपरेशन मिंग अफसरान और अमले की ईद पर छुट्टियां मनसूख, एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत अहम इजलास, ईद की तैयारियों, रेवेन्यू और डिसल्टिंग की पेशरफ का जायजा लिया। 15 अप्रैल तक तमाम ट्रेन डिसल्टिंग पर पहला साइकिल मुकम्मल करने के अहकाम। पानी की अदम दस्तयाबी पर इलाका मकीन सड़कों पर आ गए, फिरोजपुर रोड पर शहरियों का एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, मेन फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 रोज से ट्यूबवेल खराब है, पानी की शदीद किल्लत का सामना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एक और अहम इकदाम, लाहौर के मसाइल हल करने के लिए 35 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दे दी। एमएनए राणा मुबशर इकबाल कमेटी के कन्वीनियर, डीसी लाहौर राफिया हैदर कमेटी की सेक्रेटरी होंगी। ज़मीनी इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर, नून लीग और आईपीपी के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सदीकी की पीपी 149 में कॉर्नर मीटिंग, कहा मुल्क में तामीर और तखरीब की सियासत का मुकाबला है, वोटर्स से हमारा रिश्ता सियासी नहीं दुख और सुख का है, अवाम 21 अप्रैल को भी शेर और उकाब पर मुहर लगाएंगे। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में आईटी लैब, एक्टिविटी रूम और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से ब्रीफिंग दी।
सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास, वज़ीर आला के प्रोग्राम ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के मुतालिक ब्रीफिंग। इफ्तिखार अली सहू ने कहा 1800 ज़रई आलात 710 काश्तकारों को जल्द फ्राहम किए जाएंगे। जंगली हयात के तहफ़ के लिए डीजी वाइल्ड लाइफ मुतहर्रिक मुदस्सर रियाज मलक का टुलिंटन मार्केट में वाइल्ड लाइफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहफ़ शुदा जंगली जानवरों और परिंदों को चेक किया, गैर कानूनी तौर पर रखे गए तमाम जंगली परिंदे जब्त कर लिए। महकमे एजुकेशन पंजाब का अहसन इकदाम, सरकारी स्कूल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। लाहौर कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों के स्कूल्स में शमसी प्लेटें लगाने का फैसला सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद असगर जावेद ने मरासला जारी कर दिया। पासा मास्टर प्लान के मुताबिक मरहलावार बौसीदा सेवरेज सिस्टम बेहतर करे, DGLDA की जेर सदारत इजलास। कहा बढ़ती आबादी के पेश नज़र सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना होगा। DGLDA का निश्तर कॉलोनी बासा ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा, बासा के इंफ्रास्ट्रक्चर और अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। ताहिर फारूक ने हडियारा ड्रेन और खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी रोड का भी दौरा किया। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, DG एक्साइज ने डायरेक्टर लाहौर रीजन और बी को 20-20 करोड़ रुपए रिकवरी का टास्क सौंप दिया। हिदायत पर अमल न करने वाले एक्साइज मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का इंतजाम। बिजली के भारी बिलों पर आवाम के साथ साथ सरकारी इदारे भी चीख उठे, बिजली की तकसीमकार कंपनियों की जानिब से सरकारी इदारों से ओवर चार्जिंग का इंकशाफ। महकमा तवानाई ने भारी बिलों को खजाने पर बोझ करार दे दिया। कहा बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियां सरकारी महकमों से ओवर चार्जिंग कर रही हैं। पंजाब असम्बली और सिविल सेक्रेटेरिएट समेत तमाम मुतलिका इदारों को मरासला जारी। ओवर बिलिंग के खिलाफ FIA का ऑपरेशन, लेस्को के XCM राव कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। राव कामरान को शाहपुर डिवीजन में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर हिरासत में लिया गया। मुलजम से मजीद तहकीकात जारी। टिब्बी सिटी पुलिस का वन बिलर्स के खिलाफ ऑपरेशन, दो मुलजमों को मौके पर वन बिलिंग करते धर लिया। मुलजमों में काशिर और जुहेब शामिल, गिरफ्तार मुलजमों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल तहवील में ले लिया गया, मुकदमा भी दर्ज। बस अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, घरेलू नचाकी से दिल बर्दाश्ता खातून जिंदगी से रूठ गई। रेस्क्यू एहलकार के मुताबिक खातून ने नहर में छलांग लगाई और जानवर ना हो सकी। गोताखोर टीम ने लाश नहर से निकाली। पंजाब पुलिस में उल्टी गंगा बहने लगी, रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को चूंग पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में बतौर मेहमान मदऊ कर लिया। मुलजिम काशिफ जमीर के खिलाफ लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला में 13 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम काशिफ जमीर को पुलिस कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी कराया गया। मुलजिम ने पुलिस दफातर में तस्वीरें बनवाई। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम काशिफ जमीर एहलकारों के साथ सेल्फियां भी लेता रहा। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद खान इंतकाल कर गए। जावेद महमूद ब्लड कैंसर के बायस 2 हफ्ते से जिना अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज सुबह 10:30 बजे जिना पाक रोशन भीला कसूर में अदा की जाएगी। जावेद महमूद खान डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अहदे पर भी फायज रहे। सियासी पार्टी की तश्कील के लिए सूबाई मुहतसब के अहदे से मुस्ताफी हुए। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान, प्रोग्राम किरत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी। मोहम्मद अली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चौथे सेमीफाइनल में कारी खुजैमा शाकर को शिकस्त,
किरतका सुल्तान में सफर तमाम हुआ।